हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, खुदा जिंदा, खुदा मुबारक। और आप लोग भी मुबारक कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम का इंतज़ार करते हैं, अपने खुदा का इंतज़ार करते हैं। और मेरा दिल खुदा की पाक हुज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा रहता है कि मैंने आपको उसमें सलामत पाया है। उसकी सलामती हमेशा आपके साथ हो, वो हमेशा आपको अपने परों के नीचे छुपाए रखे, आप हमेशा उसके बाजुओं की पनाह में रहें। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, खुदा के लोगों, हर रोज़ जिस तरह के आप खुदा का कलाम सुनते हैं, हर रोज़ बहुत सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज मैं आपके साथ चंद एक बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि खुदा हमारे दिल के ख्यालों को जानता, उन्हें जांचता और उन्हें परखता है? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि खुदा हमारी ख्वाबगाह की छानबीन भी करता है? क्या आपको इस बात का पता है कि खुदा हमारी सारी रबशों से वाकिफ़ है? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी सारी राहें उसके सामने हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम तो खुली किताब की मानद हैं उसके सामने? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि मैं कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात या कोई भी अपनी ऐसी हरकत जो है वो खुदा से कभी छुपा सकता ही नहीं हूँ? अगर ये सारी बातें आप जानते हैं तो फिर हमारे दिल में ये बुरे ख्याल क्यों? दूसरों को धोखा देने के प्लान्स क्यों? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दिन रात ख्याल बनाना, बांधना क्यों? जबकि खुदा हमारे ख्यालों को जानता है। तो अगर हमारे ख्याल ऐसे हैं तो फिर मैं समझता हूँ ये उसके हुज़ूर में हमारे ख्याल गुनाह के और बदी के ख्याल हैं। खुदा तो आपसे प्यार करता है और उसने आपके साथ बहुत वादे किए हैं, बहुत वादे किए हैं, और उसके वादे ला तब्दील हैं। वो जो कह देता है वो करता है, वो जो कहता है वो करता है। उसने कहा है ना कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तो अगर आप उसे अपना आप दें तो डेफिनेटली वो आपकी हिफाजत करेगा। उसने कहा है ना कि वो तुझे सब कौमों से भरकर सरफराज करेगा। अगर आप उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करें तो डेफिनेटली सब कौमों से भरकर वो आपको सरफराज करेगा। उसने आपसे कहा है ना कि जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत होंगे। हाँ, यकीनन अगर आप अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो यकीनन ज़मीन के इंतहाई हिस्से आपकी मलकियत होंगे। उसने कहा है ना कि तू भी मुबारक होगा और तेरे बच्चे भी मुबारक होंगे। हाँ, यकीनन अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी उस सांचे में ढाल दें तो यकीनन आप भी मुबारक हैं, आपकी बीवी भी मुबारक है और आपके बच्चे भी मुबारक हैं। उसने आपसे वादा किया ना कि वो आपकी थैली के सुराखों को बंद कर देगा ताकि आपका हासिल ज़ाया ना हो। हाँ, यकीनन वो थैली के सुराखों को बंद करेगा अगर आप खुदा के कलाम को मानेंगे तो। उसने आपसे कहा ना वो तेरी खातिर टिड्डी को डांटेगा ताकि तेरे हासिल को, तेरी फसलों को खराब ना करे। हाँ, यकीनन वो आपकी और मेरी खातिर टिड्डी को डांट देगा। उसने कहा ना कि वबा तेरे खैमा से दूर रहेगी। हाँ, यकीनन वो वबा को, बीमारियों को आपके घराने, आपके खानदान से दूर रखेगा अगर आप उसके कलाम पर अमल करते हैं तो। उसने आपसे कहा ना कि जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं उससे बरकत दूंगा। हाँ, यकीनन वो आपको बरकत देगा और जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो उस काम को भी बरकत दे देगा। लेकिन कब? जब आप अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को दे देंगे। मैं आज ये बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है अपना आप यीशु मसीह को देने की, हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी उसे देने की, हमें ज़रूरत है अपने गुनाह से मुंह फेरने की, हमें ज़रूरत है अपनी बदियों को छोड़ने की,
हमें ज़रूरत है रातों को उठ उठ कर उसके हजूर में आंसू बहाने के। खुदा कुदरत वाला है, उसकी कुदरत को कौन बयान कर सकता है। हम खुदा से दूर रहकर कभी तरक्की नहीं कर सकते, खुदा से दूर रहकर हम कभी भी सरफराजी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है ना, सरफराजी ना मशरक से ना मगरब से, वक्त खुदा उनके हाथ के नीचे रहने से खुदा हमें सरफराजी देता है। जल्दबाजी करने से हमें सरफराजी ना मिलेगी, हमें अपनी चलाकियों अपनी होशियारियों से कभी सरफराजी नहीं मिल सकती। सरफराजी खुदावन के साथ जुड़े रहने से मिलती है। मैं आज आप तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, तमाम अजीजों को मुखातब कर रहा हूं। मुझे पता है इस वक्त आप गहरी नींद में होंगे, गनूदगी छाई हुई है, आपको नींद आ रही है, दिल कर रहा सोने को, लेकिन ये बातें जो हैं आपके लिए जिंदगी का सर चश्मा है। ये बातें आपके लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोलेंगी। खुदा का कलाम हमें हिकमत देता है, खुदा का कलाम हमें तकवीत देता है, खुदा का कलाम हमें जोर देता है, खुदा का कलाम हमारे लिए बरकात के दरवाजे खोल देता है, खुदा का कलाम हमारे लिए बंधनों को तोड़कर हमें आजादी देता है, खुदा का कलाम ही जुओं को तोड़ देता है। खुदा के कलाम को सुनिए, इस पर अमल कीजिए। मैं आपके लिए आज कलाम मुकद्दस में से कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं बाइबल मुकद्दस की चंद एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं दुआ भी आज करूंगा और मैं मान रखता हूं कि आज आपकी जिंदगी में से उलझने, परेशानियां, दुख, रोग, बीमारियां सब कुछ खुदा तब्दील कर देगा। लेकिन आइए सबसे पहले बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तलावत करना चाहता हूं। अगर दिल कर रहे तो अपनी बाइबल जरूर खोलिए मेरे साथ, आप भी पढ़े मेरे साथ। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, बाइबल मुकद्दस को जरूर खोला करें। मैं मॉर्निंग शो में भी कहता हूँ गुड मॉर्निंग जीसस, अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और अब तो मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चे तैयार नहीं हो रहे ना स्कूल जाने के लिए, बहनों से कहना चाहता हूँ, बेटियों से कहना चाहता हूँ, अपनी बाइबल लो बेटा, प्यारी बहनों बाइबल लो मेरे साथ, बाइबल लें अपनी, खोलें बाइबल मुकद्दस को। कितना मुबारक घर है आपका जिसमें सुबह भी खुदा के कलाम को आप पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं। आप कितना मुबारक है ये घर जिसमें रात को सोने से पहले भी बाइबल मुकद्दस खोलती है। बाइबल मुकद्दस है खुदा का कलाम, जहाँ पर खुलेगा खुदा का कलाम वहाँ पर खुदा खोल देगा अपना आसमान। याद रखना आपने, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को अबुल दर्जा देंगे तो खुदा आपके लिए बरकत के दरवाज़े खोल देगा। आओ मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस को। जबूर चौथी उसकी सातवीं आयत पढ़ूंगा, लिखा है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है, और उनको बचाता है। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। सब बोले मेरे साथ आमीन, आमीन, आमीन। कितना खूबसूरत रेफरेंस आज रात कलाम मुकद्दस में से मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ। एक तरफ की बात नहीं है, दो तरफ की बात नहीं है, तीन तरफों की, बल्कि चारों तरफ, चार साइडें, मशरक मगरब शुमाल जनूब, चारों तरफ खुदावन का फरिश्ता आपके रूम की चार दीवारें हैं। हर दीवार की तरफ खुदा ने आपके लिए अपने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। कोई बदरू, कोई नापाक रूह, कोई जादूगर, कोई भी ऐसी चीज किसी भी साइड से आप तक पहुंच सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपने फरिश्ते को हुक्म दे दिया और उसका फरिश्ता आपके चारों तरफ ठहर चुका हुआ है। आप सोचिए कि आप कितने मुबारक हैं। लोगों के पास गार्ड होता है एक, उनके घर में चौकीदार होता है एक। अब चौकीदार अगर एक दरवाजे की तरफ बैठ गया तो बाकी सारी साइडें जो हैं वो ओपन है, बाकी तीन साइडें जो हैं वो ओपन है, किसी तरफ से भी
चोर आपके घर में दाखिल हो सकता है, किसी तरफ से भी शैतान आप पर हमला कर सकता है, किसी तरफ से भी चोर आपके घर में दाखिल हो सकता है। चौकीदार तो एक साइड पर ही है ना, किसी तरफ से भी शैतान आप पर हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुदावन से ना डरते हैं ना खुदावन से प्यार करते हैं। लेकिन उनके लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात है जो खुदावन से डरते हैं। मैं उनकी बात करने लगा हूं। उनके लिए तसल्ली, उनके लिए इत्मीनान है, उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए शादमानी की बात है, और उनके लिए घबराने की बात नहीं है। ना वो घबराते हैं, ना वो डरते हैं, ना वो खौफजदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा का वादा उनके साथ है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। क्यों? ताकि उनको बचाए। किससे? मालक वबा से, बदरूहों से, जादूगरों से, वबा से, बीमारी से, दुख से, रोग से, हर तरह की परेशानी से खुदा का फरिश्ता बचाया उन्हें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई बार प्रीच करते ये कहा, कई बार मैं कलाम सुनाते ये कहता हूं, मुझे भी लोग कहते हैं पर सब आप आपके साथ गार्ड नहीं होते, आपका नाम इतना है, आप ये करते हैं वो कर, आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। तो मैं एक दिन कलाम सुनाते बयान कर रहा था, मैं कह रहा था उनको कि भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे गार्ड्स हैं वो दुनिया के तमाम गार्ड से ज़्यादा ताकतवर हैं। गार्ड रखना साथ में प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मेरा प्रोटोकॉल जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्तम प्रोटोकॉल मेरा है। मेरे गार्ड दुनिया में सबसे पावरफुल गार्ड मेरे हैं। तो हंसना शुरू हो गए, कहने बंदा तो सन तड़ना दिखाई नहीं दे रहा, तो गार्ड कहाँ से आ गए? मैंने कहा कि मेरे लिए बाइबल मुकद्दस में जबूर की किताब जबूर 34 में ये लिखा है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। तो दुनिया में वो शख्स कितना लकी है जिसकी हिफाजत खुदा खुद करे, या फिर जिसके लिए हिफाजत के लिए खुदा ने फरिश्तों को पॉइंट कर दिया हुआ है। ये दुनिया वाले गार्ड किसी वक्त भी ये टपक जाएंगे, किसी वक्त भी इनको गोली लगी ये लेट जाएंगे, किसी वक्त भी इन पर हमला हुआ तो ये भाग सकते हैं। लेकिन जो गार्ड मेरे लिए और खुदा से जो आप डरने वाले हैं, आपके लिए जो गार्ड पॉइंट हो चुका है वो कोई आम नहीं है बल्कि खुदा का फरिश्ता है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। दुनिया में अपनी हिफाजत करने के लिए लोग पैसा देते हैं गार्डों को, पैसा ले लो सारी हिफाजत करो, लेकिन वो खुदा कितना प्यार करता है आपसे। वो ना आपसे पैसा मांगता है, ना आपकी दौलत मांगता है, ना आपकी शोहरत मांगता, कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ आपकी ज़िंदगी वो चाहता है। और फिर जब आप उसे अपनी ज़िंदगी दे देते हैं फिर वो गार्ड भी आपको देता है, ना सिर्फ गार्ड देता है बल्कि दुनिया की दौलत शान शौकत और इज्जत भी वो आपको देता है, बल्कि उम्र की दराजी भी वो आपको देता है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या आप मुबारक नहीं है? क्या आप खुशकिस्मत लोग नहीं हैं जिनकी हिफाजत के लिए आसमानी लश्कर है? आप सोए होते हैं और खुदा का फरिश्ता आपकी हिफाजत करता है। अभी आपने अपने बिस्तर पर सो जाना है मुझे पता, और फिर खुदा के फरिश्ते ने तो आपकी हिफाजत करनी है, और एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से आपकी हिफाजत करेगा ताकि कोई बदरू, कोई स्पिरिट, कोई बुरी स्पिरिट आपको टच ना कर सके। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है जो आपकी हिफाजत करते हैं। बल्कि अब तो मैं चाहता हूं आपको बताऊं कि फरिश्तों तक बात महदूद नहीं रही, बल्कि अब तो खूबसूरत बात सबसे यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और अपना रूह तुम्हें दिए जाता हूं, जो तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, वो फरिश्तिया ने बारों तारी हिफाजत करनी बार बार, तो खुदा के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे लेकिन आपके चारों तरफ होंगे।
لیکن خدا کا روح جو آپ کی حفاظت کرے گا وہ نہ صرف باہر سے کرے گا بلکہ باہر سے بھی کرے گا اور اندر سے بھی کرے گا، تاکہ کہیں آپ کے خیال میں بھی کوئی بری بات جو ہے، کوئی بری روح جو ہے، کوئی برا خواب جو ہے آپ کے خیال اور آپ کی نیند کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ میرا دل خدا کی پاک حضوری میں شکر گزاری سے بھر گیا ہے، اس لیے شکر گزاری سے بھر گیا کہ خدا ہمیں ہر طرح سے محفوظ کر رہا ہے، ہر طرح سے خدا ہمیں محفوظ کر رہے ہیں، ہر طرف سے روح القدس ہمیں محفوظ کر رہا ہے۔ میں آج رات آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ آپ کی حفاظت کرے تو پھر خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، پھر اپنے گناہ کو چھوڑیے اور توبہ کر لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ترقی کریں تو پھر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ آپ کو، اپنی نگاہ کو آپ پر لگائے رکھے، تو میری بہنوں بھائیوں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہ سے منہ پھیر لیجئے۔ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آج بیٹیوں آپ کو پیار کرتا ہے، بیٹوں آپ کو پیار کرتا ہے، آج سارے خاندان سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آؤ اس کے قریب۔ اس نے فرمایا تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، آؤ اس کے قریب آ جاؤ۔ آج رات اسے کہیے مجھے اپنی باہوں میں لے لے، آج رات اسے کہیے خداون مجھے اپنے پروں کے نیچے پناہ دے دے، آج رات اسے کہیے خدا میری نیند میٹھی ہو، آج رات اسے کہیے خدا میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں، میں اپنے گناہ کو چھوڑتا ہوں خدا۔ آج رات اپنے بستر پر آنسوؤں کے ساتھ توبہ کیجیے، وہ آپ کے لیے آسماں کھول دے گا۔ دنیا کی دولت، شان و شوکت، ترقی، سرفرازی، عمر کی درازی، اچھی صحت، سب قوموں سے بڑھ کر آپ کو سرفراز کرے گا، لیکن اپنا آپ اس کو دے دیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، سوچئے آج رات تھوڑی دیر کے لیے، غور کرنا ہے آج رات آپ لوگوں نے، وہ حقیقت میں آپ سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا ثبوت اس کا بیٹا یسوع مسیح اور پھر یسوع مسیح کی قربانی۔ یہ وقت سوچنے، یہ وقت غور کرنے، یہ وقت خیال کرنے کا ہے، یہ وقت آج اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنے کا ہے، یہ وقت اپنا آپ اس کو دینے کا ہے، یہ وقت خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل ہو کر اسے سجدہ کرنے کا ہے۔ وقت کو ضائع نہ کیجیے، آؤ مل کر دعا کریں۔ خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج اے خداوند خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خدا ہم انہیں برکت دے، انہیں ترقی، انہیں سرفرازی دے خدا۔ اے باپ، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھلے، آسمان کی برکتیں انہیں ملیں، زمین کا حاصل انہیں ملے خدا، ان کی خاطر ٹڈی کو ڈانٹ دے، کیڑا ان کا نقصان نہ کرنے پائے، چور کبھی نقب نہ لگانے پائے، ان کا حاصل ضائع نہ ہو، بلکہ خدا ان خدا وہ فرشتے ان کی حفاظت کرتے رہے اور تیرا پاک روح انہیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے۔ آج رات ان کے ساتھ بول، خواب میں بول، رویا میں بول، کلام کر اے خدا، کلام کر اے خدا، کلام کر ان کے ساتھ ہے خدا، تاکہ یہ جانے کہ تو زندہ ہے، انہیں چھو، انہیں برکت دے، یسوع کے نام سے آمین، آمین، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ خدا کی شکر گزاری ہو، خدا قدرت والا ہے، اور میں ماں رکھتا ہوں کہ آج آپ نے یقیناً برکت پائی ہے۔ میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، بھائیوں، خدا ان کے لوگوں، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں، جس طرح کہ ہر روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ دن کا اہتمام آپ نے دعا کلام کے ساتھ کیا، صبح کا آغاز خدا کے کلام کے ساتھ کیجیے گا۔ صبح 6 بجے میں پھر خدا کا کلام دے کر آپ لوگوں کے لیے آؤں گا، اور اگر آپ مجھے پرسنل ملنا چاہتے ہیں تو جمعے کی عبادت میں 4 سے 6 بجے تک آ جائیں، یا اتوار کی عبادت میں صبح 10 سے 12 بجے تک آ جائیں۔
ये मौजज़ात जो आप टीवी पर देख रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो सकता है। कोई बीमार है, कोई लाचार है, अंधा लूला लंगड़ा, जिस भी हालत में है, कैंसर है, रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, बेऔलाद हैं, बेरोज़गार है, आओ खुदाबंद सबको देने की कुदरत रखता है। खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है, बरकत देने की कुदरत रखता है। आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए मिलकर दुआ करना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए, मीठी नींद सोएं, खुदा के कलाम पर गौर ज़रूर कीजिएगा, खुदा आपके साथ हो। इजाज़त दीजिएगा, मीठी नींद सोएं, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा के कलाम पर गौर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाने से पहले कहना चाहता हूँ, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन।